दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 12 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 13वां दिन है। तो भाई इस फिल्म को 12वें दिन फाइनली कितने का कलेक्शन मिला है ये रिपोर्ट तो मैंने आप लोगों को नहीं दिया था। तो भाई चलिए देर से ही सही लेकिन कई सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया एनिमल दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त कलेक्शन हासिल करते हुए वर्किंग डे पर भाई रिकॉर्ड्स बुक में लगातार बदलाव करती जा रही है तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि भैया एनिमल को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के भैया वर्किंग डे पर यानी कि दूसरे मंगलवार को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 12 करोड़ 37 लाख रुपए का, यानी 12 करोड़ 37 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को सभी लैंग्वेजों में मिला है भैया दूसरे ट्यूसडे के लिए। और उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया दूसरे ट्यूसडे को इस फिल्म को पूरे इंडिया से जो हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 11 करोड़ 25 लाख रुपए का, यानी भैया 11 करोड़ 25 लाख रुपए का। और वहीं पर इस फिल्म को दूसरे मंगलवार को सभी साउथ के लैंग्वेज में जो बिजनेस मिला है वो आंकड़ा है 1 करोड़ 12 लाख रुपए का, यानी भैया 1 करोड़ 12 लाख रुपए के बिजनेस इस फिल्म को दूसरे मंगलवार को तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से मिला है। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि सभी लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को 12 दिनों में जो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा 450 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और ये बात तो मैंने आपको दिन में ही बता दी थी कि भैया 450 करोड़ का आंकड़ा ये फिल्म पार कर रही है 12वें दिन। और भाई इस फिल्म को लेकर फाइनली ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया 12 दिनों में इस फिल्म ने सभी लैंग्वेजों के माध्यम से 460 करोड़ 71 लाख रुपीस का बिजनेस कर लिया है, यानी भैया 460 करोड़ 71 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने महज 12 दिनों में ही कर लिया। और वहीं पर इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से अभी तक 12 दिनों में जो कलेक्शन मिल गया है हिंदी लैंग्वेज में वो आंकड़ा है 412 करोड़ 74 लाख रुपए का, यानी 412 करोड़ 74 लाख रुपए के बिजनेस इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में पूरे इंडिया से मिल चुका है। और भाई इस फिल्म को 12 दिनों में साउथ के सभी लैंग्वेजों में यानी तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से जो बिजनेस मिला है वो आंकड़ा है 47 करोड़ 97 लाख रुपए का, यानी 47 करोड़ 97 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को सभी रीजनल लैंग्वेज में मिला है। उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि फाइनली इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है मेरे भाई, यानी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो अब तक ग्रॉस कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है 757 करोड़ 73 लाख रुपीज का, यानी 757 करोड़ 73 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने पूरे विश्व से अब तक हासिल कर लिया। और भाई इसी कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने भैया दूसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली 5 फिल्मों में 4वां पोजीशन हासिल कर लिया है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें दूसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली इन 5 फिल्मों की, तो भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंगलवार को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 75 लाख रुपए का, यानी भैया 15 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको दूसरे मंगलवार को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 90 लाख रुपए का, यानी भैया 12 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को दूसरे मंगलवार को मिला था। और भाई इत्तफाक इस फिल्म का दूसरा मंगलवार जो था ना भैया वो पहले हफ्ते में ही था। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंगलवार को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 10 लाख रुपए का, यानी भैया 12 करोड़ 10 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में चौथे पोजिशन पर है एनिमल 11 करोड़ 25 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से, यानी भी 11 करोड़ 25 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और भाई इस टॉप 5 के लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जिसको दूसरे मंगलवार को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 25 लाख रुपए का, यानी भी 10 करोड़ 25 लाख रुपए का। और वहीं पर भाई 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली
टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में तो एनिमल की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन भैया टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म ने एंट्री मार ली है। तो भाई टॉप 10 की लिस्ट में इस फिल्म का पोजीशन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 27 करोड़ 50 लाख रुपए का, यानी 27 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 75 लाख का, यानी 15 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सुल्तान, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 18 लाख रुपए का, यानी 15 करोड़ 18 लाख रुपए का। और वहीं पर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 14 करोड़ 25 लाख इसका, यानी 14 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में पांचवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है वॉर, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 20 लाख रुपए का, यानी 13 करोड़ 20 लाख रुपए का। वहीं पर बीएस लिस्ट में छठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 12 करोड़ 10 लाख रुपए का, यानी 12 करोड़ 10 लाख रुपए का। और उसके बाद बीएस लिस्ट में सातवें नंबर पर है एनिमल, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 11 करोड़ 25 लाख रुपए का। वहीं पर बीएस लिस्ट में आठवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 25 लाख रुपए का, यानी 10 करोड़ 25 लाख रुपए का। उसके बाद बीएस लिस्ट में नौवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है दंगल, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 9 करोड़ 81 लाख रुपए का, यानी 9 करोड़ 81 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में दसवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है द केरला स्टोरी, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 9 करोड़ 45 लाख रुपए का, यानी कि भैया 12वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भाई एनिमल एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है, जो कि है 500 करोड़ का रिकॉर्ड। यानी कि भैया हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ पार करने वाली फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म बहुत ही आसानी से एंट्री मार लेगी। इस फिल्म को लेकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं हो। और उसके बाद भी अगर इस फिल्म को डंकी और सलार के रिलीज होने के बावजूद भी भैया अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा सपोर्ट मिलता है जनता के द्वारा, तो भाई ये फिल्म 600 करोड़ के आंकड़े को भी चुनौती दे सकती है, जो कि भाई अभी तक जवान के नाम है। वैसे आप लोगों को लगता है क्या यह फिल्म जवान के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।